Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ki dhan Vrindavan naam hai, dhan Vrindavan naam hai. धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन, जो सुमिरे श्यामा श्याम, वृंदावन सो श्री नंद गाँव सुगा बंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना ब्रज रतन तरु बैठ के पल भर करो विश्राम ब्रज रज मुख में डार के सब बोरो राधे श्याम सब बोरो राधे सब बोरो राधे श्याम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे
बजो प्यारे बोल हरि बोल हरि बोल लिया है तो आपने उसको अपने हृदय से लगाया है किशोरी जी। और मैं तो हृदय की भी मांग नहीं कर रहा, मैं तो केवल
केवल और केवल आपके दासों के चरणों का गुलाम रहना चाहता हूं। किशोरी जी, गुलाब खान जिसने केवल अपनी पुत्री को राधा नाम कहकर के पुकारा, आप उस पर भी रीझ गई किशोरी जी। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है किशोरी जू आपके श्री बरसाना धाम। मैं तो आपसे केवल और केवल आपके चरणों का अनुराग, आपकी भक्ति मांग रहा हूं किशोरी जू, कि आपके चरणों के दासों का मैं दास हो सकूं। कुछ और नहीं तो लाडली क्यों श्री राज, कुछ और नहीं तो लाडली बस इतना करम ही कर दीजो, मैं तेरे रंग में रंग रहा मोहे ऐसा मस्त बना दीजो, मोहे ऐसा मस्त बना दीजो, मोहे ऐसा मस्त बना दीजो, मुझे राधे कृष्ण के दर्शन हो, मैं तेरे रंग में रंगा रहूं, मोहे ऐसी लगन लगा दीजो, मोहे ऐसी लगन लगा दीजो, मोहे ऐसी लगन लगा दीजो, मुझको अगर ना तारोगी श्री राम, मुझको अगर ना तारोगी तो शोर मचा के कह दूंगा हर मांगने वाले को श्री राधे, तेरे दर का पता मैं बता दूंगा, तेरे दर का पता मैं बता दूंगा, तेरे दर का पता मैं बता दूंगा, मैंने सुना है बरसाने वाली श्री राध, मैंने सुना है, मैंने सुना तुम सबको गले लगाती हो, मैंने ना क्या मांगा, मैंने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतरा, जो देने से टकराती हो, जो देने से टकराती हो, रो रो कर मेरा ये कहे शिराद, रो रो कर मेरा ये कहे, सुन लो कर्ण पुकार, अब नैना खोलो अब नैना खोलो, देखो श्री राधे हम आज पढ़ो तेरे द्वार, हम आज पढ़ो तेरे द्वार, हम आज पढ़ो तेरे द्वार, राधा राधा।
तेरा प्यार लगे परेशान हमें, तेरा प्यार लगे परेशान हमें। प्यारी तेरी ऊंची अदारी है, प्यारी तेरी ऊंची अदारी है, प्यारी तेरी ऊंची अदारी है। महलों में बैठी वो प्यारी लगे श्रीराज, महलों में बैठी वो प्यारी लगे। ओ श्यामा परेशानी वाली, श्यामा परेशानी है। तेरा राघव भी तेरे चरणों में श्रीराज है, मेरी श्यामा है किशोरी। तेरा राघव भी तेरे चरणों में, प्यारी जाए सदा बलिहारी है, जाए सदा बलिहारी है, जाए सदा बलिहारी है। एक तेरी कृपा जो हो जाए, जब तक मेरी राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक आप माँ के बिहारी के दर्शन नहीं पाते। एक तेरी कृपा जो हो जाए, मिल जाए वो बाके बिहारी है, मिल जाए वो बाके बिहारी है, मिल जाए वो बाके बिहारी है। नजरें मिला के कह तो सही, पतितों को तुमने तारा नहीं, मैं भी ना मांगू सहारा तेरा, बेसहारों का कर तू सहारा नहीं, बेसहारों का कर तू सहारा नहीं, बेसहारों का कर तू सहारा नहीं। श्री राधा नाम जो मेरी सरकार को सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी अधिकारी से यदि कोई कार्य करवाना हो
तो हम लोग जिस प्रकार देखते हैं कि उसको सबसे प्रिय जो वस्तु हो हम उस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि वह अधिकारी हमसे प्रसन्न होकर के हमारा वो कार्य कर दे। यदि आप ठाकुर को पाना चाहते हैं तो इससे सरल उपाय और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे बिहारी जी यदि किसी पर रीझे हैं तो वो केवल राधा नाम पर रीझे हैं। आइए भक्तमाल कथा में प्रवेश करते हुए, कल की भक्तमाल कथा कहां छूटी जरा बताइए। इसे पता चलता है कि आपने कितना सुना। हाँ जी, दरवाजा खुल गया, कहाँ का? नहीं, वो तो वो एक वो ग्वारिया बाबा का चरित्र था। आपको ये भी नहीं पता कि कथा कहाँ चल रही है? कथा तो नामदेव बाबा की चल रही है, श्री नामदेव जी महाराज की। ग्वारिया बाबा का तो बीच में एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि भाव है मेरे ठाकुर कैसे कैसे रीझ जाते हैं। चलिए आइए उसी भाव से ही प्रारंभ करते हैं। आपका भाव जहां छूटा, जैसे जैसे गोराई ने श्री हरि महाराज को अपना पति स्वीकार किया और श्री हरि महाराज ने गोराई की भक्ति की लाज रखी, ऐसे मेरे ठाकुर जब रीझ जाते हैं तो आप उनसे कैसा भी संबंध बना लीजिए वो उसकी लाज रखते हैं। प्यारे ठाकुर जी ने तो नौकर बनकर के भी अपने भक्तों को सुख देना चाहा है। श्री त्रिलोचन जी एक भक्त हुए हैं श्री त्रिलोचन जी, जरा दोनों भुजा उठा करके बोली श्री त्रिलोचन जी महाराज की। हेलो त्रिलोचन जी महाराज। हेलो उनके यहां भक्तों की इतनी सेवा रहती थी, नित प्रतिदिन संगत आती, साधु संत आते, साधु मंडली आती और वहां पंगत बैठती। मेरे ठाकुर जी के प्यारों को श्री त्रिलोचन जी महाराज भोग पवाते, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते कि यदि संत प्रसन्न हो गए तो मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बुढ़ापे के कारण श्री त्रिलोचन जी की जो धर्म पत्नी थी कुछ जरूरी कार्य है, बोली राधे राधे हरि बोल। श्री त्रिलोचन जी की जो धर्म पत्नी थी वे आयु ज्यादा होने के कारण ज्यादा संगत को भोजन नहीं पवा पाती थी, लेकिन त्रिलोचन जी की इच्छा होती थी कि जितनी संगत आ रही है रोज प्रतिदिन 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 संगत बढ़ती चली जाए और मेरे बिहारी जी के मेरे ठाकुर जी के जो प्रिय संत हैं उनको भोजन पवा सको। लेकिन प्रतिदिन जो उनका बुढ़ापा था उनकी सेवा के आड़े आने लगा। एक दिन त्रिलोचन जी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप कोई ऐसी लीला कीजिए ना, मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाह रहा, केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पास कोई ऐसा प्रबंध कर दीजिए कि या तो आपके साथ संगत की, आपके संतों की, आपके प्यारों की व्यवस्था ढंग से हो सके, कोई दास ही दिलवा दीजिए। नित्य प्रतिदिन प्रभु के आगे करुण पुकार करते कि हे प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी टेर सुन लीजिए, मुझसे देखा नहीं जाता कि जब कोई संत मंडली आती है और जब मैं चाह करके भी उनकी सेवा नहीं कर पाता,
मैं चाहता हूँ कि नित प्रतिदिन अनेकों भोजन करें, अनेकों संत भोजन करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आपसे निवेदन है कि कोई दास का प्रबंध कर दीजिए। मेरे बिहारी जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। मेरे बिहारी जी ने त्रिलोचन जी की इस पुकार को सुना। त्रिलोचन जी ने कहा कि चलिए बिहारी जी, आप पर ही छोड़ दिया, आप जब कभी कोई प्रबंध करेंगे तो देखेंगे। लेकिन मेरे बिहारी जी ने कहा नहीं, मेरे प्यारे ने यदि मुझे पुकारा है तो मुझे जाना है। बिहारी जी ने एक छोटा सा बालक का रूप बना लिया, सांवले तो थे और थोड़ी सी ब्रज उठाकर के अपने वस्त्रों पर लगा ली, फटे पुराने से वस्त्र पहन लिए, बाल बिखेर लिए और अपनी अपनी एक ओढ़नी सी ले ली, जो फटी हुई है, मैली सी चदरिया है, वो ओढ़ ली और एक दास का रूप बना लिया। त्रिलोचन जी किसी कार्य से अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे तो जो ही दरवाजा खोला त्यों ही सामने एक दास खड़ा है। प्रसन्न हो गए त्रिलोचन जी कि वाह प्रभु, आज आपसे निवेदन किया और आज दास का भी प्रबंध कर दिया। मन ही मन मुस्कुराने लगे श्री त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी ने पूछा कि बालक, आप किस लिए आए हैं? आप यहां किस कार्य हेतु आए हैं? वे नन्ना सा बालक, मेरे ठाकुर जी जो पूरी दुनिया का कार्य रचा रहे हैं, वो कह रहे हैं त्रिलोचन जी से कि मुझे कोई कार्य दे दीजिए, मुझे कोई कार्य दे दीजिए। त्रिलोचन जी समझ गए कि आज मेरे पास एक दास आ गया है। त्रिलोचन जी पूछ रहे हैं कि आपका घर कहां है, आप कहां रहते हो, कहां के रहने वाले हो? बिहारी जी बोले कि अब पकड़े गए, अब पकड़े गए। बोले कहां बताऊं भैया, एक ठिकाना हो तो बताऊं। त्रिलोचन जी कह रहे हो मतलब घर बार नहीं है, इसका मतलब कोई ठिकाना नहीं है। बिहारी जी जो वो दास का रूप, हाँ यूं ही समझ लो कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना, एक हो तो बताओ। बोले अच्छा, आप सेवा करोगे? बोले हाँ हम सेवा करेंगे आपके यहां। बोले आपका नाम क्या है? बिहारी जी सोच में पड़ गए, नाम क्या बताऊं, क्योंकि त्रिलोचन जी की अंतर आत्मा को सुनकर के प्रभु ने ये वेश बनाया था, इसलिए प्रभु ने सहज ही कह दिया मेरा नाम अंतर्यामी है, लोग मुझे अंतर्यामी दास कहते हैं। अंतर्यामी दास, नाम सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसका मतलब ये किसी संत घराने से है, ऐसा नाम है इसका। त्रिलोचन जी ने कहा कि यदि आप मेरे यहां कार्य करेंगे तो आप ये भी बता दीजिए कि आप उसके बदले हमसे लेंगे क्या। बोले मैं नित प्रतिदिन 5 शेर का भोजन करता हूं भैया, और मेरे किसी मालिक से इसलिए नहीं बनती, यदि कोई मुझे खाते हुए टोक दे तो मैं फिर वो घर छोड़ देता हूं, इसलिए मेरी से किसी मालिक की ज्यादा बन नहीं खाती। बोले नहीं महाराज, आप चिंता मत करो, आप हमारे यहां भोजन पकाना, संतों को पवाना और आप भी पा लिया करना, जितनी इच्छा हो आप भी पाना। बोले नहीं, बस यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है सारी। बोले दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत यह है कि मेरी एक शर्त है, मैं आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लूंगा, बस मेरी एक शर्त है, आपको जितना कार्य मुझसे करवाना हो, जितना भोजन मुझसे बनवाना हो बनाओ, लेकिन मेरे लिए यदि भोजन पकेगा तो आपकी धर्म पत्नी के हाथ से भोजन पकेगा। देखो इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि त्रिलोचन जी की इच्छा थी कि संतों का भोजन हो, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन सेवा कौन करती थी? सेवा करती थी त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी डिमांड रख दी कि मेरे लिए यदि भोजन बनेगा, मैं यदि भोजन पाऊंगा तो आपकी धर्मपत्नी के हाथों से।
बोले ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। त्रिलोचन जी ने मन ही मन में सोचा कि अभी तो उसको 100-125 संतों का भोजन बनाना पड़ता है, अब केवल 5 शेर बनाना पड़ेगा तो खुशी खुशी बना दिया करेगा। त्रिलोचन जी ने बिना अपनी धर्म पत्नी के पूछे हाँ कर दी। त्रिलोचन जी ने कहा कि हमारी इस तरह कुटिया है, इधर हमारा भंडारा कक्ष है, सब कुछ दिखाया। वे दास अंतर्यामी दास कहने लगा, त्रिलोचन जी एक बात और सुन लीजिए, यदि किसी दिन आपकी श्री धर्मपत्नी ने यदि हमें पेटू कह दिया ना कि खाता है बहुत, तो हम उस दिन आपका घर छोड़ करके चले जाएंगे, इसीलिए ही हमारी किसी मालिक से बनती नहीं है। बोले ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दौड़े दौड़े गए अपनी धर्मपत्नी के पास, जाकर के बताया कि रे भाग्यवान, दास का प्रबंध हो गया है और कोई रुपया पैसा भी नहीं देना, केवल उसकी एक शर्त है कि उसको भोजन तुम अपने हाथ से पका करके खिलाओगे, और ध्यान रखना इसे किसी दिन पेटू मत कह देना, क्योंकि 5 शेर भोजन करता है, स्वादिष्ट लगे तो उससे भी ज्यादा खा सकता है, लेकिन किसी दिन इसे पेटू मत कह देना, घर छोड़ करके चला जाए। त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी बोली, अरे मैं क्यों कहूंगा कहूंगी, जहां मुझे 100-125-150 संतों का भोजन पकाना पड़ता है, 5 शेर की बात है, मैं पका दिया करूंगी। त्रिलोचन जी के यहां वे अंतर्यामी दास नित्य प्रतिदिन उठ करके संतों के लिए भोजन पकाता। अभी त्रिलोचन जी गंगा किनारे नहाने जब जाते, पीछे से अंतर्यामी दास भंडारे कक्ष में जाते, उनको क्या कमी, उन्होंने एक झट में खीर पका देनी, एक झट में तरह तरह के व्यंजन पका देने, अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार। जहां 100-125 की पंगत होती थी, वहां पंगत की गिनती नित प्रतिदिन बढ़ने लगी, 200 हो गई, 200 से 400 हो गई, अनेकों अनेक संत और दूर दूर से वैष्णव रसिक जन संत वहां पधारने लगे। त्रिलोचन जी बहुत खुश होते। जब सभी संत सभी पंगत भोजन पाकर के चली जाती, उसके बाद वो अंतर्यामी दास त्रिलोचन जी से कहता कि प्रभु आप मेरे मालिक हैं और मेरी इच्छा होती है कि मैं आपके पैर दबाया करूं, मैं आपकी मालिश क्या करूं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। त्रिलोचन जी बोले, भैया जैसी तेरी मर्जी। अब नित प्रतिदिन वह अंतर्यामी दास त्रिलोचन जी की सेवा किया करता, पैरों पे तेल मालिश करता, सिर पे तेल मालिश करता, उनके पैर चबाता, उनके पैरों को दबाता, बहुत सेवा की उसने त्रिलोचन जी की। लेकिन महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है, महिलाओं के अंदर जो कह दो ना कि ये बात किसी को कहनी नहीं, वो सबसे ज्यादा कह दी जाती है। यदि किसी बात का ढिंडोरा पीटना हो तो किसी महिला को कह दो कि ये बात किसी को कहनी नहीं, वो शाम तक ही आग की तरह फैल जाती है। ऐसा है कि नहीं है? हंस रहे हैं, ऐसा ही है, आप खुद ही हामी भर रहे हैं। त्रिलोचन जी की धर्म पत्नी अपनी पड़ोस की किसी सहेली से मिलने के लिए गई, और जब मिलने के लिए गई तो वो बोली कि बहन आप बड़ी दुबली पतली होती चली जा रही हो, सेठ जी का स्वास्थ्य दिन बर दिन और अच्छे पे अच्छा हो रहा है, जैसे जवानी लौट रही हो, लेकिन आपका लगता है बुढ़ापा जो है और ही करीब आता जा रहा है। अब त्रिलोचन जी की पत्नी अपने शरीर को देख के बोली, हाँ बहन ऐसा ही है, ऐसा ही है। पहले सोची कि बताऊं इसको कि मेरी हालत ऐसी क्यों है, 5 शेर भोजन बनाना पड़ता है, जब अच्छा लगे तो उससे भी ज्यादा पकाना पड़ता है। बात ही बात में उसने अपने मुख से कह दिया, अरे सहेली, अरे मेरी बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे घर में वो जो पेटू है ना, पेटू, उसके चक्कर में मेरी हालत गड़बड़ है। बस अभी का ही था कि वे अंतर्यामी दास उस घर को छोड़ करके चला गया। वह अंतर्यामी दास उस घर को छोड़ करके चला गया। त्रिलोचन जी सांझ के समय अपने घर आए,
देखा था अंतर्यामी दास कहीं नहीं है, उसको सब और ढूंढा, सभी गांवों में जाकर के उसको ढूंढा, वे कहीं नहीं मिला। सभी और ढूंढा लेकिन अंतर्यामी दास का कुछ पता नहीं चला। उनका माथा ठनक गया, जाकर के अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि क्या तूने किसी को बता तो नहीं दिया। बोले स्वामी गलती तो हो गई मुझसे, गलती तो हो गई मुझसे। बोले अच्छा। अब वो बैठ गए त्रिलोचन जी कि जब तक मेरा वह दास वापस नहीं आता मैं किसी अन्न शन पर बैठूंगा, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं जल की एक बूंद भी अपनी जीवा पर नहीं रखूंगा जब तक मेरा वह दास नहीं आता। ऐसी पुकार बार 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 करने पर, लाखों लोगों के समझाने पर, जो पंगत वहां आती, जो संगत वहां आती, उसके भी समझाने पर त्रिलोचन जी नहीं माने। उनका स्वास्थ्य दिन भर दिन बिगड़ता चला गया। 7 दिन हो गए ना तो वह अंतर्यामी दास वापस लौटा और ना अपनी जिद से त्रिलोचन जी हटे। तो इतने में आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं दास का रूप बना करके आपके घर में आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। आपकी सेवा करने के लिए आया था। आज तो त्रिलोचन जी और भी ज्यादा रोने लगे कि प्रभु ये क्या अनर्थ कर दिया आपने मेरे साथ, ये क्या अनर्थ कर दिया प्रभु। मुझे ये कैसा अपराध लगा दिया प्रभु आपने। आप मेरे घर पर थे, आप मेरी कुटिया पर थे और मैं आपसे सेवा करवाता रहा प्रभु। जहां लोग तरसते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए, आप पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात मेरे यहां सेवा करते रहे प्रभु, चाकरी करते रहे। जहां मुझे आपके चरणों को धो धो करके पीना चाहिए था प्रभु, आप मेरे चरणों को दबाते रहे। ये कैसा खेल है प्रभु। जलवा दिखा के आपने मुखड़ा छिपा लिया। एक बार बताया तो होता प्रभु, एक बार बताया तो होता प्रभु। बिजली सी गिर गई मेरा दामन जला दिया। जलवा दिखा के आपने मुखड़ा छिपा लिया। जलवा दिखा के आपने मुखड़ा छिपा लिया। छिपालिया बिजली सी गिर गई मेरा दामन जला दिया। ओ बिजली सी गिर गई मेरा दामन जला दिया। Let it ride.
तुम्हारे नाम की जपता रहूंगा मैं। हे प्रभु, आज मुझे ये जमाना रखे या गिरा दे अपनी नजरों से, मुझे इसकी परवाह नहीं। प्रभु, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन क्या मेरी सेवा का इतना भी अधिकार नहीं था कि आपका दर्श पा सकूं, आपका दर्श पा सकूं। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मैं अपनी खुद की आंखों से गिर गया हूं, कि मेरी सेवा इस काबिल भी नहीं। प्रभु, आप बेशक ना आते और आए भी तो इस तरह प्रभु, अपना बना हमें। प्यासी है यहाँ हर लबे, कुछ तो पिला हमें। प्यासी है यहाँ हर लबे, कुछ तो पिला हमें। बहती थी कश्ती मेरी, बहती थी कष्ट मेरी, दरिया बहा दिया। जलवा दिखा के आपने मैं कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी का, क्योंकि महाराज जी को जाना है, महाराज जी की गाड़ी है, इसलिए तक जीऊंगा मैं। कि प्रभु, अब केवल आपकी याद ही संग जाए, अब मुझे जीने की तमन्ना शेष है ही नहीं। प्रभु, मैं
इस विरह के आग में जलकर के मर जाना चाहता हूं प्रभु। यादें रहेंगी आपकी जब तक रहूंगा मैं, रहो करम करते रह कहती रहूंगी मैं, रहो करम करते रहो कहती रहूंगी मैं, है खोज नजरों की वो है खोज नजरों की वो नक्शा दिया दिखा जलवा दिखा के आपने उखड़ा छिपा लिया, ओ जलवा छिका के आपने मुखड़ा छिपा लिया, बिजली सी गिर गई मेरा दामन जला दिया, बिजली सी गिर गई मेरा दामन जला दिया, दामन जला दिया ओ दामन जला दिया, जलवा दिखा के आपने मुखड़ा छिपा लिया, जलवा दिखा के आपने छिपा लिया। इतने में आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपके उन संतों की सेवा करने हेतु आया था और आपके भाव को देख करके मैंने आपकी भी सेवा की, ऐसे है मेरी ठाकुर जी। केवल गोराई की ही लाज नहीं रखी प्रभु ने, जिस जिसने प्रभु को जिस भाव से भजा है प्रभु ने उसके भाव की सदैव लाज रखी है, सदैव लाज रखी है। चौबे जी के यहां पुत्र बन करके उनका अंतिम संस्कार किया है, कुंजू बेटा बन करके एक छोटा सा भाव और है, एक एक बूढ़ी ब्राह्मणी, अतुल जी जा रहे हो क्या, जाने से पहले मिल गए, एक बूढ़ी ब्राह्मणी मेरे ठाकुर की सदैव अप्रस में रह करके सेवा करती, सदैव अप्रस में रह करके मेरे ठाकुर को नित प्रतिदिन भोग लगाती, श्रृंगार करती, पुत्र की भांति उससे प्रेम करती, एक दिन वह बुजुर्ग औरत, वह बूढ़ी अम्मा, वह ब्राह्मणी अपने घर की छत पर किसी कारणवश जा रही थी, उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम देनी से जमीन पर आकर के गिर गई, उसका कूल्हा टूट गया। बेटे काफी धनवान थे, उसे हॉस्पिटल लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा कि एज फैक्टर है, यदि ऑपरेशन किया तो जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए बेटों ने अपनी माँ की इसी प्रकार से सेवा करनी उचित समझी, उसे अपने घर ले आए। मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने मैया की चार पाई डाल दी, वे ब्राह्मणी वहां बैठी रहती,
उसका जो नित्य क्रम था वैसे ही लेटे लेटे करती रहती। डॉक्टरों ने उठने के लिए मना कर दिया। वे गुस्से में बोली बिहारी जी से कि ठाकुर ये किस बात का बदला लिया है आपने मुझसे, मैंने सदैव सदैव अप्रस में रह करके आपकी सेवा की है, मैंने सदैव आपको आपकी मनुहार की है, आपको लाड लड़ाया है इस भाव से कि जब मेरा मेरी बूढ़ी अवस्था आए आप मुझे इस प्रकार चारपाही पर डाल दें, मैं औरों के अधीन हो जाऊं, आपकी सेवा से चूक जाऊं, इससे बेहतर तो मुझे उठा लिया होता प्रभु। ऐसी ऐसी बातें करती, लेकिन उसका विश्वास था अपने ठाकुर पर। उनके घर में चतुर्भुज नाथ का रूप बिहारी जी का था, जो उनके यहां चित्र था, विग्रह था, चतुर्भुज नाथ के रूप में बिहारी जी विराजमान थे। एक दिन प्रातः काल की बेला मैया उठी और देखा अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, वे धरती पर रेंगती रेंगती किसी प्रकार चार पाई से उतरी और रेंगती रेंगती मंदिर की ओर चली गई और जाकर के अंदर से कैसे करके उसने चटकने लगा ली। थोड़ी देर में उसका पुत्र आया, उसने देखा कि मैया चार पाई पर नहीं है। घर में शोर मच गया कि मैया कहाँ है, मैया कहाँ है। देखा तो मंदिर के अंदर से बिजली की जो रोशनी थी, जो लाइट थी, वो बाहर तक आ रही थी। अरे अरे मंदिर तो रात को हमने ठाकुर जी को शयन करवाया था, अंदर कौन है? अंदर खटखटा करके देखा, अंदर कोई है। बेटा सोचने लगा कि ये कैसी लीला है, मैया घर पर नहीं है, अंदर से मंदिर बंद है, मैया चलकर जा नहीं सकती, ना जाने कोई चोर तो नहीं घुसाया हमारे घर में। अभी ऐसे अनेकों अनेक बातें सोच ही रहे थे कि अंदर से मंदिर की चटकने खुली और मैया ठीक ठाक खड़ी है, और मैया के हाथ पे जो चंदन हम जिस पर घिसते हैं, जिसको सिलवट्टा कहते हैं उसको, वो मैया के हाथ में। मैया का बेटा आश्चर्य में पड़ गया कि मैया तो ठीक कैसे हो गई, तो खड़ी कैसे हो गई। बोली आज मैंने चतुर्भुज नाथ को आड़े हाथ लिया है, आज मैंने सिलवट्टा उठा लिया कि सदैव मैंने आपकी सेवा की है, या तो आज मुझे ठीक कर या मैं आज तेरा भी कूला तोड़ दूंगी। जैसे मैंने सिलवट्टा उठाया और मैं ठीक हो गई। और इसको कोई आप विनोद की कोई कथा मत समझ लेना, हास्य की, यह एक हकीकत का वाक्य है। श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने उस बूढ़ी अम्मा का दर्शन भी किया है, इसका प्रमाण है। त्रिलोचन जी की कथा कहानी कोई ऐसी कोई बनावटी कहानी नहीं है, इसका भी प्रमाण श्री भक्तमाल में है। ये भाव है, लेकिन आप लोग ऐसा मत कर लेना घर जाकर के, ऐसा करने के लिए हाँ कभी सोचोगे, इसके लिए बहुत भाव चाहिए। कर लेते हैं कई लोग, हमारी एक बार संकीर्तन हुआ किसी के घर, तरुण भैया संकीर्तन हुआ किसी के यहाँ, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार देख करके ना जाने वो कैसी अट्रैक्ट हुई वो ठाकुर जी की तरफ। वो बोली मैं भी कल वृंदावन से मैं भी लड्डू गोपाल जी लाऊंगी। लड्डू गोपाल जी ले आई, उसने अनेकों प्रकार से श्रृंगार किए। लोग तो चांदी का बनाते सोचते हैं, उसने चांदी का सोने का मुकुट, सोने की बालियां, सोने की कंठी गले में डाल दी, सोने के बहुत सारे आभूषण मैया ने बना दिए। लेकिन उसकी मर्जी जिस घर में होती है वो वहीं टिकता है, अन्यथा नहीं टिकता। किसी कारणवश, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं आपको, उस मैया के यहां किसी कारणवश दो मृत्यु एक साथ हो गई। पहले एक हुई, फिर हफ्ते बाद एक और हो गई। उसने सीधा इल्जाम ठाकुर जी पर लगा दिया कि जब से ठाकुर जी आए हैं मेरे घर अनर्थ हो रहा है। उसने सारा जेवर उतार करके ठाकुर जी को ऐसे ही बिना किसी वस्त्र के मंदिर में पंडित जी को दे दिया। ऐसी भावना नहीं चाहिए।
देखो दिखाई कोई सेवा नहीं होनी चाहिए। यदि आप में सेवा का भाव है तो आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। अरे वो तो केले के छिलके तक खा गया, वो तो केले के छिलके। विदुरानी जी जब ठाकुर जी को देखा, विदुरानी जी ऐसे ऐसे मत होश हो गई, उसके होश ना जाने कहां चले गए। केला छील रही है ठाकुर जी को देखती देखती, और नग्न अवस्था में शरीर पर एक कपड़ा नहीं उसके, नहाती नहाती यूं ही दौड़ी आई। अरे घर में कोई है, अरे घर में कुछ है जो मैं ठाकुर को भोग पवा सकूं। नग्न अवस्था में वे केला छील रही है और केला फेंकती जा रही है, छिलका देती जा रही है। मेरे ठाकुर जी ने तो उस विद्राणु के छिलके तक खा लिए, छिलके तक खा लिए। ये भाव की बात है, ये भक्तमाल कथा। केवल और केवल आपके मन में भक्ति का भाव जागृत हो, इसी उद्देश्य से श्री अग्रदास जी महाराज जी ने श्री नाभादास जी से इस ग्रंथ की उत्पत्ति करवाई है। प्यारे ऐसे ही श्री नामदेव जी प्रभु को भोग लगाया, वामदेव जी ने देखा, आप सभी ने कल सुना। धीरे धीरे ज्यों चंद्रमा बड़ा होता है त्यों त्यों नामदेव जी बड़े हुए। नामदेव जी ने अपना गुरु धारण किया जिनका नाम हुआ है श्री ज्ञान देव जी महाराज। बोले श्री ज्ञान देव जी महाराज की जय। श्री ज्ञान देव जी महाराज जी से दीक्षा ली है। ज्ञान देव जी महाराज ने कभी नामदेव जी को उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि नामदेव जी की तो तार पहले ही करतार से जुड़ चुकी है। ऐसे ऐसे शिष्य को, ऐसे भक्त को मैं क्या उपदेश दूं। ज्ञान देव जी ने कभी नामदेव जी को उपदेश नहीं दिया, वे उनकी भक्ति को भली भांति जानते थे। एक दिन ज्ञान देव जी भारतवर्ष के तीर्थ करने हेतु अपनी कुटिया से निकल पड़े और उन्होंने नामदेव जी से कहा कि नामदेव आप भी अपने वस्त्र एकत्र कर लो जो घर में है, आज हम भी आपको भी लेकर के तीर्थ पर चलेंगे। लेकिन नामदेव जी के सभी तीर्थ उनके विट्ठल के श्री चरणों में बसते थे, वो विट्ठल को छोड़कर के कैसे चले जाते, विट्ठल की सेवा छोड़कर के कैसे चले जाते। इधर गुरु के वचन को भी मोड़ नहीं सकते, उनसे इनकार नहीं कर सकते, इधर विट्ठल की सेवा को नहीं छोड़ सकते। आज दुविधा में पड़ गए नामदेव जी की कि क्या करूं, आज मैं किस ओर जाऊं, किस ओर जाऊं। मन में एक उपाय आया कि हे गुरुजी, यदि आप मुझे तीर्थ पर लेकर के जाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मैं चलता हूं, लेकिन लेकिन मैंने अपने सभी समस्त तीर्थ श्री विट्ठल नाथ के श्री चरणों में देखे हैं। आप एक काम कीजिए, आप स्वयं ही जाकर के मेरे विट्ठल जी से आज्ञा ले लीजिए, यदि विट्ठल आज्ञा दे देंगे तो मैं आपके संग चलने को तैयार हूं। इधर ज्ञान देव जी बोले ठीक है, मैं आपके विट्ठल से पूछ लेता हूं। जो ही नामदेव जी ने देखा कि ज्ञान देव जी विट्ठल जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं, विट्ठल प्रार्थना करने लगे, हाथ में मंजीरे ले लिए, हाथ में झांझ ले लिए और मन ही मन कहने लगे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल।
विठल विठल विठला पांडुरंग विठला ज्ञान देव जी पहुंच गए विठल जी के सम्मुख और ज्यों ही सम्मुख पहुंचे जाकर के प्रार्थना करी कि हे विठल नाथ जी मैं आपके प्रिय शिष्य को आपके एक सेवक को आपके भक्त को मैं तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाना चाहता हूं लेकिन उसकी ऐसी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दे तो ही मैं आपके संग चलूंगा कृपा कर आप आज्ञा दीजिए। आप जानते हैं रसिक जन ऐसा बताते हैं कि जब ज्ञान देव जी ने विठल से नामा को संग ले जाने की बात कही तो उस विग्रह की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। प्यारे अश्रुधारा बहने जो इस स्वरूप को केवल विग्रह मानता है ना वे अपराध करता है। ये तो जीती जागती मूर्त है। विठल के उस स्वरूप में उनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाह होने लगी। जो भी संत जनवा उपस्थित थे उन सब ने इस दृश्य को देखा और आज्ञा दे दी कि जाओ नामा आप तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अपने गुरु के संग जाओ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब नामदेव जी विठल से इतना प्रेम करते थे और विठल भी नामा से इतना प्रेम करते थे कि उसके जाने की बात को सुनने मात्र से उनकी आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने उसी समय उसको दर्श वहीं क्यों नहीं करा दिया तीर्थ का क्यों जाने की आज्ञा दे दी। ऐसा सवाल आप सभी के मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्यों आज्ञा दे दी मत देते आज्ञा। लेकिन हम सब कलयुगी प्राणी हैं हम लोग नहीं जानते कि प्रारब्ध के गर्भगृह में है क्या। मेरे ठाकुर दूरदर्शिता देखते ही उनको मालूम था उनको आगे की सारी लीला मालूम थी इसलिए आज्ञा दे दी कि आप नामा को ले जाओ। लेकिन सुनो मेरे नामा का ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। ये कह करके नामा भी नम आंखों से अपने विठल से आज्ञा लेकर के प्रणाम दंडौत करके अपने गुरु के संग भारतवर्ष के तीर्थ पर यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते दिल्ली जब पहुंचे श्री नामदेव जी व श्री ज्ञान देव जी दोनों गुरु चेला जब दिल्ली पहुंचे अनेक संगत अनेक संत मंडली के संग तो वहां की बादशाह सिकंदर लोधी को ये मालूम हो गया किसी ने जाकर के बता दिया कि आप जिस नामदेव से मिलना चाहते थे वे आज दिल्ली में पधारे हुए हैं। तुरंत बादशाह ने फरमान जारी करा कि नामदेव जी को तुरंत हमारे महल में लेके आया जाए। सिपाही गए नामदेव जी जहां अपने संत मंडली के साथ बैठकर के संकीर्तन कर रहे थे वहां जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि श्री नामदेव जी आपको हमारे राजा बादशाह सिकंदर लोधी जी ने याद किया है आपको अपने महल पे बुलाया है। श्री नामदेव जी ने इनकार कर दिया कि हम फकीरों का महलों में क्या काम है मना कर दीजिए आप राजा को। सिपाही गया उसने जाकर के नामदेव जी की इच्छा जाहिर की। बादशाह सिकंदर लोधी ने और संत भेजे अपने सिपाही भेजे कि जाओ आप लोग जाओ और प्रार्थना करके नामदेव को लेकर के आओ। पुनः नामदेव ने उन सिपाहियों को वापस भेज लिया। तीसरी बार सिपाहियों का पूरा झुंड गया
जाकर के बादशाह सिकंदर लोधी का वो फरमान श्री नामदेव जी को सुनाया कि आपको राजा ने याद किया है, वे आपसे भेंट करना चाहते हैं, वे आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं, केवल आप एक बार हमारे राजा से मिलिए। श्री नामदेव जी ने राजा की उत्सुकता को देखते हुए हामी भर दी और सिपाहियों के संग महलों की ओर चले गए। महल में पहुंचे और जाते के साथ ही नामदेव जी ने राजा से पूछा कि राजा, आप बार बार सिपाहियों को भेज करके, आप अपना फरमान भेज करके हमारी पूजा में विघ्न डाल रहे थे, हमारी भक्ति में विघ्न डाल रहे थे, आप जल्दी से बताइए आपको क्या कर रहे हैं, आपको क्या काम है, क्या पूछना है, क्या बात करनी है, जल्दी से बताइए। राजा बोला कि हमें नामदेव जी, हमने आपका बहुत चर्चा सुना है, बहुत नाम सुना है आपका, हम कोई चमत्कार देखना चाहते हैं। नामदेव जी मुस्कुरा पड़े, अरे अरे हम कोई मदारी है कि जो आपको चमत्कार दिखाए? अरे चमत्कार देखना है तो किसी मदारी को बुला लिया होता। बोले नहीं, हमने सुना है आप मरे हुए प्राणी को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसी ऐसी शक्ति है आप में, आपने प्रभु का अनेकों अनेक बार दर्शन किया है, ऐसा हमने सुना है, आपका नाम स्वयं प्रभु ने नामकरण किया है, ऐसा हमने सुना है, हम आपका चमत्कार देखना चाहते हैं। नामदेव पुनः बार बार आग्रह करने लगा, अरे राजा आपको कोई भूल हो गई है, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं तो केवल झांझ लेकर के और विट्ठल के नाम का गुणगान करता हूँ, उसके अतिरिक्त मुझ पर कुछ है ही नहीं। राजा समझ गया कि ये संत है, ये ऐसे मानने वाला नहीं। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, एक गाय को मंगवाया और उसी भरी सभा के अंदर उस गाय का जो शीश था वो धड़ से अलग कर दिया, तलवार मार के अलग कर दिया। नामदेव जी रोने लगे कि अरे राजा, ए बादशाह तूने ये क्या जुर्म किया? बोला मैं आपकी आपकी शक्ति देखना चाहता हूं केवल। नामदेव जी रो पड़े कि काश मैं कोई छोटा मोटा खेल दिखा देता, राजा का दिल बहल जाता, इसकी इच्छा पूरी हो जाती। ये निर्दोष गाय बेजुबान गाय कम से कम अपनी अपना जीवन तो ना खोती, ये बेमौत तो ना मारी जाती। ये गाय अपनी मौत मरी है लेकिन इसका अपराध मेरे शीश पर लगा है। आज मेरे इस शोले पर इस गाय का जो खून पड़ा है ये केवल और केवल मेरे कारण है। वे अपने आप को कोसने लगे, जगदीश से प्रार्थना करने लगे, दोनों झांझ हाथ में ले लिए और विरह में करुण पुकार में पुकारने लगे, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला। जरा आप भी कहिए, उठाइए जरा, आप ही कहेंगे और कोई नहीं बोलेगा। अरे विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला
पांडुरंग विठला ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। इतने में गाय का शीश अपने आप उठा और गाय के धड़ से जाकर के चिपक गया और गाय जीवित हो गई। गाय जीवित हो गई। इतने में राजा अपने सिंहासन से उतर करके नीचे आ गया। श्री नामदेव जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तरुण भैया नहीं ऐसे नहीं जाना, केवल पांच मिनट हो, ऐसे नहीं जाना है, पांच मिनट। आकर के नामदेव जी के पास बादशाह खड़ा हो गया, लेकिन ये कोई सजदा नहीं था, ये कोई आदर नहीं था, ये तो केवल केवल और केवल चमत्कार को नमस्कार किया था उस बादशाह ने। वे किसी संत के आदर में खड़ा नहीं हुआ था। राजा ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मैं आपको आपको एक भेंट देना चाहता हूं, कृपया कर आप वो मेरी भेंट अपने संग लेते जाएं। इतने में राजा ने इशारा किया और चार सिपाही सोने का एक पलंग जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे वो लाकर के नामदेव जी के आगे रख दिया कि ये मेरी भेंट है, आप ले जाइए। नामदेव जी ने इनकार कर दिया कि मैं इस भेंट का क्या करूंगा, हमारा हमारा इस सोने से, हमारा इन जेवरातों से क्या लेना देना है। राजा आपने चमत्कार देखना था, चमत्कार आपने देख लिया। भैया